अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजी एंड यू वाचिंग आरजे प्लैनेट। अच्छा, बाइक पे ना अक्सर लोगों को होता है इशू कि टाइम अगर क्या हो रहा हो ना, तो ज़रूरी नहीं हर किसी ने मोबाइल होल्डर पे उसी वक्त मोबाइल लगाया हुआ होता है, वहाँ से टाइम देख सकते हैं। तो कॉमनली ये होता है हैंडल बार की क्लॉक्स आती हैं एनालॉग, जो कि हैंडल बार फिक्स हो जाती हैं, लेकिन आजकल नई डिजिटल चीज़ें आई हुई हैं, जैसे डिजिटल क्लॉक है, तो मैं ये दिखाऊंगा आपको, जो कि अच्छी भी लगती है। ये मॉरफेयर कंपनी की है, इसमें दो या तीन कंपनीज आ रही हैं, जैसे पामेला है और एम स्टार है। तो कोई भी अगर मिल रही है आपको तो वो उस पर अच्छी रहती है डायल पे। तो इसमें बेसिकली तीन फंक्शन होते हैं और इस पर 4 in 1 लिखा हुआ है, लेकिन होती है 3 की है मोस्टली। उसमें एक डिजिटल टाइम दिखाती है, टेम्परेचर दिखाती है सराउंडिंग का, और बैटरी का वोल्टेज दिखाती है। चार्जिंग कुछ कुछ में होता है, कुछ कंपनीज़ में नहीं होता, लेकिन मोस्टली 3 फंक्शंस होते हैं इसमें। इसमें चंद चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि वाटर प्रूफ होती है, ठीक है, और क्विकली अगर जिसमें चार्जिंग के ऑप्शन हो तो क्विक चार्जर होता है, वैसे वूमन चार्जिंग वाली नहीं होती अवेलेबल। और जो इसका टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही दिखाती है। मैंने फ़ोन के साथ भी इसको किया मैच किया और वो बिल्कुल ना सही दिखा रही होती है। तो चलें इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इंस्टॉल भी करूँगा और कैसी लुक आती है, तो इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, जैसे आप पैकिंग देख सकते हैं, और काफ़ी सेलर्स हैं तो आपको खुद ढूंढनी पड़ती कोई अच्छी सी, किसी सेलर से आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाए। ये देखें पीछे इसका, ये बंद की हुई है सोल्डिंग, जो चार्जिंग वाली होती है उसमें चार्जिंग पोर्ट होती है पीछे, टेम्परेचर वॉच होगी। और इसके साथ साथ देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या चीज़ें हैं। मज़ीद इसमें एक तो ये स्क्रूज़ हैं, ये बेसिकली मिरर जो होते हैं साइड मिरर, उसको लगाते हैं साइड मिरर को इसमें, फिर इसके साथ दूसरा जो स्क्रू है उसको इसमें लगाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर लग के फिक्स हो जाता है। और ये माउंटिंग है जिसके अंदर 4 स्क्रूज़ इसके माउंटिंग ऊपर लग के, और ये स्क्रूज़ जो हैं जो दो, इनमें दोनों यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ कर सकते हैं। और नीचे एक बुकलेट दी हुई है, बुकलेट में भी जो है सिर्फ फंक्शंस बताए हुए हैं, और उसमें ये भी बताया हुआ है कि इसको कैसे सेट किया जा सकता है। इसमें 3 ये 3 केबल्स हैं इसमें, ठीक है ना, और इसमें से जो रेड वाली है वो आपकी बैटरी से डायरेक्ट लगेगी, ताकि जब भी आप इग्निशन ऑफ ऑन करें तो टाइम रीसेट ना हो। ब्लू वाली जो है वो आपकी स्विच के साथ है, और ब्लैक अर्थ होती है। तो आप किसी को भी समझाना चाहें तो ये समझा सकते हैं, ईजी टू इंस्टॉल है। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का पता है काम, तो फिर आप कीजिएगा। ये 4 वो स्क्रूज हैं जिस पर माउंटिंग फिक्स हो जाएगी, और ये आपके हैंडल बार के ऊपर लग जाएगा। बड़ा अच्छा डायल है, बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छी इसकी लुक भी है, और मीटर के साथ जो है ना बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है। और ये टच है इसका, बटन जो है ये टच सिस्टम है, ये कोई क्लिक विक नहीं है इसके ऊपर, और बड़ी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग भी बड़ी अच्छी है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसी लगती है। जी, तो मैंने इंस्टॉल कर दी है, क्योंकि अभी कनेक्शन भी दिए हुए, और चूंकि मैं साइड मिरर के साथ इंस्टॉल नहीं की, क्योंकि वो बिल्कुल हट जाती है ना, तो मैंने एक पतरी ली है, इसको पतरी कहते हैं, लाइट पतरी, एल पतरी भी कहते हैं, ये सिंपल सीधी पतरी है। इसके ऊपर मैंने इसी की जो माउंटिंग आई हुई थी, क्योंकि ये साइड मिरर बहुत अलग से हो जाता है, तो मैं चाहता डायल के साथ मैच हो, तो डायल के पास ही लगे। तो ये मैंने जो क्लच का नट होता है उसके अंदर इसके एक नट उधर लगा दिया, और ये वायर मैंने अभी छोड़ दी है, इसको इसी तरह अंदर लेके जाऊँगा हांडी के अंदर लाइट की। और ये देखें बिल्कुल साथ साथ लग रही है, वरना मिरर में लगाता ना तो बिल्कुल साइड पे हो जाता। तो अभी जाके इसको कनेक्शन करवाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये कनेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी लुक, एक अच्छी सी लुक दे रहा है, ठीक है। और टाइम भी इसका बिल्कुल मैंने सेट कर दिया है, और रीसेट भी नहीं होता टाइम, वैसे जैसे मैंने आपको बताया था। और फिनिशिंग देख लें आप, ये मैंने इधर से देखें बाहर जा रही है, आपको बताया था कि कैसे ये इसकी मैंने माउंटिंग एडजस्ट की है। रात का लुक भी देख लेते हैं कि कैसे अफेक्ट देता है, और मतलब बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगता है आपको चलाते हुए। क्लस्टर मीटर आपका बड़ा अच्छा लग रहा होता है, जिस तरह आपके गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, इस तरह बाइक का डैशबोर्ड भी आपको इस तरह अच्छा लग रहा होता है। तो ये बस स्विच पर होती है, जैसे स्विच ऑन करेंगे ये ऑन हो जाती है, और एक बार इस पर टाइम फिक्स कर दें तो फिर ये अच्छा ही दिखा रही होती है। अभी चूँकि बाकी में ये टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिखा रही है, कम नहीं दिखा रही, क्योंकि खड़ा है, खड़ा हुआ था बाइक और उस पर मैंने कपड़ा डाला हुआ था। तो चूँकि अभी सिर्फ शाम का टाइम है, तो टेम्परेचर देख सकते हैं इसकी, इसी बटन से सब चीज़ें इसकी सेट होती हैं। इसको थोड़ी देर 5 से 10 सेकेंड दबाए रखेंगे तो ये ऑफ भी हो जाती है, 4 से 5 सेकेंड दबाए रखेंगे तो देखें ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब आप टाइम सेट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा दबाएंगे तो टाइम में मज़ीद आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और क्लिक्स पे सिर्फ टच सिस्टम पे। और इसी तरह इसको और दबाए रखेंगे तो ये टेम्परेचर से नीचे वॉल पे चला जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उठा रहा होता है।
तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसकी प्राइस जो है मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।